नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदर्शनी सिंह और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज़। अभी आज की एक बहुत बड़ी खबर आई है कि जामत जामनगर से बर्खास्त हुए आईपीएस पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को उम्र कैद की सजा मिल गई है। अब सवाल ये उठता है कि कौन है ये संजीव भट्ट, क्यों मिली इन्हें इतनी बड़ी सजा एक आईपीएस अधिकारी होते हुए भी, क्या है पूरा का पूरा मामला, आइए मैं आपको बताती हूँ। मामला ये है कि संजीव भट्ट 1990 में जामनगर में एएसपी थे और उस समय एक बहुत बड़ी हिंसा हुई थी, मतलब कि आज से 3 दशक पहले की मैं बात कर रही हूँ, 1990 की बात कर रही हूँ। और ये जो हिंसा हुई थी इसमें 133 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, 25 लोग घायल थे और 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राज्य सरकार पहले इस केस पे ट्रायल करने से मना कर रही थी। गुजरात कैडेट के आईपीएस ऑफिसर रहे हैं संजीव भट्ट। न्यायिक हिरासत में रहने के बाद जो आरोपी था जिसका नाम था प्रभुदास माधवंजी वैशिनी, आई होप सो कि मैं नाम सही ले रही हूँ, अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो तो माफ़ करिएगा, लेकिन इसी नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया गया था और उसके बाद उसी हिरासत में उसकी मौत हो गई थी। और आरोप लगा था संजीव भट्ट और उनके सारे सहयोगियों के ऊपर कि उन्होंने हिरासत में रहते हुए प्रभुदास पे बहुत ज़्यादा मेंटल और फिजिकल टॉर्चर किया था और इसी टॉर्चर के तहत उनकी मौत हो गई थी जेल की हिरासत में ही। जब गुजरात में ये पिटीशन डाली गई तो पहले 2011 से पहले तक इस पर कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही थी, लेकिन 2011 आते आते गुजरात हाई कोर्ट ने इस पर केस चलाना शुरू कर दिया, इस पर केस चलना शुरू हो गया है। उसके बाद मुख्यतः बात एक और बताना चाहती हूँ कि 2011 में गुजरात में नरेंद्र मोदी सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये बात आपको क्यों बताई है। मैंने इसलिए बताई है कि संजीव भट्ट ना ही इस केस से इतने फेमस हैं, साथ में एक केस और था जो उन्होंने पिटीशन फाइल की थी चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात के ऊपर, जी हाँ नरेंद्र मोदी के ऊपर इन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी और उस पिटीशन में ये कहा था कि गुजरात में जो दंगे हुए थे उस राइट्स हुए थे और उसके बाद जब पुलिस अफसरों को बुलाया गया था एक मीटिंग के लिए, उस मीटिंग में नरेंद्र मोदी मौजूद थे और वो भी थे वहाँ पे मौजूद, जहाँ पे नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि अगर हिंदू अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं मुसलमानों के ऊपर तो निकालने दिया जाए। जी हाँ, ये पिटीशन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी और कहा था कि सबूतों के अभाव में, जी हाँ मार्क करिएगा, सबूतों के अभाव की वजह से ये पिटीशन हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तभी से एक किस्म की संजीव भट्ट के ट्विटर अकाउंट से ट्विटर वॉर भी शुरू हो गई थी। आए दिन 2011 के बाद से 2015 आते आते संजीव भट्ट के ऊपर ये सारे केसेस और प्रबल हो गए थे। इनफैक्ट मज़ेदार बात ये है कि संजीव भट्ट को उसके बाद टर्मिनेट कर दिया गया, जी हाँ उनको निष्कासित कर दिया गया आईपीएस अधिकारी के पद से। उन्हें इसलिए निष्कासित किया गया क्योंकि वो अनऑथराइज एब्सेंस थे, मतलब कि वो प्रेजेंट ही नहीं थे, कहीं थे ही नहीं, ऑफिशियल कोई भी ड्यूटी कर नहीं रहे थे। उनके ट्विटर हैंडल को भी हैक कर लिया गया, ऐसा उनकी पत्नी श्वेता भट्ट का कहना है। श्वेता भट्ट ने अपने ट्विटर हैंडल में कितनी बार इस बारे में बात कही है कि इनके ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है, पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा है संजीव भट्ट और हमारे ऊपर, और हमें परेशान किया जा रहा है और संजीव भट्ट को एक अननोन जगह में रखा जा रहा है। लेकिन खैर ये हमें नहीं मालूम कि इन बातों में कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है, लेकिन अगर मोदी जी के अप्रिय लोगों में से कोई अगर कुछ लोग आते हैं तो इसमें संजीव भट्ट का भी नाम आता है। खैर संजीव भट्ट को इस 3 दशक पुराने केस में अब सजा मिल चुकी है उम्र कैद की, अब उन्हें तमाम जिंदगी पूरी जिंदगी जेल के अंदर ही बतानी पड़ेगी, उनके साथ जो सहयोगी भी थे उनको भी सजा मिली है। ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि मामला इसलिए भी बड़ा है क्योंकि ये वही संजीव भट्ट हैं जो कि खुल के आवाज़ खोलते थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ,
और मैं ये नहीं कह रही कि इन दोनों केसेस को जोड़ के देखना चाहिए, लेकिन बार बार जो श्वेता भट्ट का क्लेम आ रहा था कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, कोई ना कोई बात है, हमें पॉलिटिकल प्रेशर दिया जा रहा है, क्या उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो नहीं मालूम, लेकिन दाल में कुछ ना कुछ तो ज़रूर काला है। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसी खबरों के लिए, ऐसी सच्ची खबरों के लिए। देखते रहिएगा खुलासा।